यम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर राजस्थान में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, सिनेमाघर एवं थिएटर आदि को 30 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही में आयोजित होने वाले म्यूजिक इन द पार्क तथा नाटक मंचन जैसे कार्यक्रम भी स्थगित रहेंगे। आज देर रात्रि निवास पर उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के क्रम में एहतियात के तौर पर संक्रमण से बचाव के लिए निर्णय किया गया है। आमजन कोरोना के विषय में भयभीत ना हो, मेरी अपील है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें तथा आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। स्कूलों, कॉलेजों में चल रही बोर्ड परीक्षाओं पर कोई रोक नहीं होगी। साथ ही मेडिकल तथा नर्सिंग कॉलेज में कार्य संचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। प्रदेशवासियों से शादी समारोह को छोटा रखने तथा सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाने की अपील की है। अधिकारियों से कहा कि वह नियमित रूप से एडवाइजरी आदि जारी कर आमजन को जागरूक करें। अधिकारियों ने अवगत कराया कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए 370 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से केवल 3 ही मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। पीड़ित मरीजों का इलाज जो सही दिशा में चल रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में कुल 3,00,000 लोगों की कोरोना के संक्रमण की स्क्रीनिंग की गई है। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव श्री डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री वैभव गालरिया, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजूर राजपाल, राजस्थान शिक्षा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजा बाबू पवार तथा SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुधीर भंडारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे ज्ञान न्यूज के साथ।